हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग बिग माउथ की सीजन 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो बेशक इसकी सीजन 2 के लिए वेट कर रहे होंगे, क्योंकि सीजन 1 की एंडिंग इसकी सीजन 2 की ओर इशारा करती है। जी हाँ गाइस, आज हम इसकी सीजन 2 के ही बारे में बात करेंगे कि आखिर इसकी सीजन 2 है वो हमें देखने को मिलेगी या नहीं, अगर हाँ तो हमें इसकी सीजन 2 के लिए कितना वेट करना पड़ेगा और अभी की लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो इन सारे सवालों को जो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। तो सबसे पहले उन सभी को बता दूं जो लोग इस सीरीज़ को अभी तक नहीं देखे हैं, तो अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर से भरपूर एक अच्छी सीरीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप इसकी सीजन 1 की सभी हिंदी डब एपिसोड है उसे डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर चेकआउट कर सकते हैं। क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो चलिए अब जानते हैं इसकी सीजन 2 के बारे में। जैसा कि हमें दिखाया गया कि सीजन 1 में चेयरमैन कांग यानी दादा का एक बेटा है जो यूएस में रह रहा है, जो बहुत ही क्रूर एक सीरियल किलर है, जिसके बारे में हमें इसकी सीजन 1 में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। तो मे भी हो सकता है कि इसकी क्रिएटर का जो प्लान है वो इसके सीजन 2 में इसे एज ए विलन के तौर पर पेश करना हो, क्योंकि अभी तक चेयरमैन के बेटे को पता नहीं है कि उसके जो पिता है वो मर चुके हैं। तो हो सकता है कि जैसे उसे पता चलेगा इस बात की तो वो अपने पिता के जो विरासत है उसे लेने के लिए कोरिया वापस आएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी जो हमें सीजन 2 में देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जब इसके फाइनल एपिसोड के बाद जब इसके क्रिएटर से पूछा गया इसकी सीजन 2 के बारे में, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी बहुत ही जल्दबाजी होगा इसकी सीजन 2 के बारे में बात करना, लेकिन हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छी प्रोजेक्ट के साथ रिटर्न करेंगे। जिसका मतलब है कि इसके क्रिएटर की तरफ से बिग माउथ सीजन 2 के लिए डिनाई नहीं किया गया है, यानी आपको इसकी सीजन 2 है वो देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जब से इसकी फाइनल एपिसोड रिलीज हुई है उसके बाद से लेकर अभी तक काफ़ी सारे कोरियन मीडिया आउटलेट है वो रिपोर्ट कर रही है इसकी सीजन 2 के बारे में। और इसके अलावा कुछ इसके कास्ट मेंबर है वो रिसेंटली कुछ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इसकी सीजन 2 की ओर इशारा किया है। तो जो भी हो गाइस, हाईली चांसेस है कि आपको इसकी सीजन 2 है वो देखने को मिले, क्योंकि सीरीज को ऑडियंस की तरफ से काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन फिलहाल अभी इसके क्रिएटर की तरफ से ऑफिशियली कंफर्मेशन है वो होना बाकी है, तो मे भी आने वाले कुछ महीनों में इसकी सीजन 2 की कंफर्मेशन है वो निकल के आ जाए। तो सपोज डेट इसकी सीजन 2 की रिन्यू कर दिया जाता है ऑफिशियली, तो फिर सवाल ये निकल के आती है कि हमें इसकी सीजन 2 के लिए कब तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो आप सभी को बता दूं कि इसकी सीजन 1 को कंप्लीट करने में करीब एक साल का वक्त लगा है, जिसका मतलब है कि आपको इसकी सीजन 2 है वो अगर आती है तो आपको नेक्स्ट ईयर देखने को नहीं मिलेगी। तो हाईली चांसेस है कि 2024 तक ही इसकी सीजन 2 है वो एमबीसी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। तो फिलहाल के लिए मेरे पास बस यही अपडेट है, तो अगर इन फ्यूचर कोई अपडेट निकल के आती है तो मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा।